मैं हूँ सुजय। आज हम लोग फ्री ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का 13 नंबर क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सेल और बैटरी के बारे में। तो फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस नियम दो बयानों में बताता है। एक, फैराडे का पहला सिद्धांत तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइट द्वारा पदार्थों का जमा करना समय और विद्युत धारा के समानुपाती। दूसरा नियम बताता है, यदि एक समय एक समान प्रबलता की करंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटों से गुजारा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट के फलस्वरूप विमुक्त होने वाली पदार्थों की संगति या मास उनके रासायनिक तुलनांक के समानुपाती होता है। सेल तीन टाइप का आता है, एक लोग्रांजी सेल, दूसरा डेनियल सेल, तीसरा ड्राई सेल व सूखा सेल। लोग्रांजी सेल प्रयोग टेलीफोन या बिजली घंटी आदि में प्रयोग होता है। IMF 1.46 वोल्ट, इसका आंतरिक रेजिस्टेंस अधिक होता है। डेनियल सेल, इस सेल का IMF 1.8 वोल्ट होता है, इस सेल का भी रेजिस्टेंस अधिक होता है। जो सस्ता होती है, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता। तीन नंबर ड्राई सेल वा सूखा सेल, इस सेल में एक छिद्र होता है ताकि अंदर एमोनिया गैस इस छिद्र से निकल सके। इसके वोल्ट कैपेसिटी 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। डिस्चार्ज किसको कहते हैं? एक्यूमुलेटर से करंट लिया जाता हो उसको डिस्चार्ज कहते हैं। इस दौरान एक प्लेट का लेड पारोक्साइड और दूसरे प्लेटों का स्पोंजी लेड सल्फेट में बदल जाती है। तो चार्ज किसको कहते हैं? जिस समय DC स्रोत के दोनों प्लेटों पर बिजली दी जाती है और दोनों प्लेटों का लेड सल्फेट एक्टिव मटेरियल PbO2 और Pb में बदल जाती है, बैटरी कैपेसिटी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लेटों की संख्या, प्लेटों की आकार, की मात्रा से डिस्चार्ज किया जाता है, तापक्रम और बैटरी का लॉन्जिबिलिटी और बैटरी की किस स्थिति में है। कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे NH4C1 एल्युमिनियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड CuSO4 कॉपर सल्फेट H2 हाइड्रोजन H2SO4 अम्ल Cu कॉपर Zn जिंक Zn4 जाट सल्फेट PbO2 लेड सल्फेट एसिड Pb मटेरियल। और बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी, जिसे हिंदी में
विद्युत कोष कहा जाता है। एक विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्रोत है जो दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलकर बनाया जाता है। बैटरी में ऊर्जा को संचित करके बाद में प्रयोग में लाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।